Hello students, welcome to The Analyzers. Yes students, year 2018 has begun on a high note. आपने देखा है कि Syndicate Bank, Canara Bank और recently SBI Clerical की vacancies आई है, तो 2018 will surely be a vacancy year for sure. क्योंकि IBPS ने भी नया calendar release कर दिया है. But आज का topic, आज का show है किस पर? The Analyzers of IBPS Clerk Mains 2018. Yes students, one of the last exam of the exam season, जिसमें हम cover करेंगे कि किस तरीके से questions पूछे गए हैं, क्योंकि इस बार एक twist clerk ने भी करा है. वो क्या twist है कि अभी तक एक उनका एक strong section, computer section, जिस जो 20 marks का रहता था, उसको उन्होंने merge करा है with reasoning. तो इन सब details में हम discuss करेंगे in today's The Analyzers. अच्छा गया है, 124 अटेम्प्ट्स ही हैं. ओके, तो हाउ वाज द एग्जाम, किस तरीके से था? जैसे इस बार रीजनिंग के साथ कंप्यूटर्स आया था, तो क्या कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आपको दिखे? नहीं नहीं, कंप्यूटर सेक्शन नहीं था. रीजनिंग सेक्शन के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से था रीजनिंग सेक्शन? आसानी था, मतलब पजल्स वगैरह मैंने की नहीं है, बाकी तो जो भी था वो कर दिया है. मेनली आपके रीजनिंग में अटेम्प्ट 30, रीजनिंग में 24 अटेम्प्ट करे. हां ओके, इसके अलावा क्वांट में किस तरीके से था? क्वांट्स भी आसान ही आया था, आसान ही आया था, दो तीन डीआई थी और बाकी मिसलेनियस था. किस पे बेसिस था वो? रेशोज वगैरह, मेल फीमेल का रेशो. ओके, हां, और चाइल्ड्स कितने, एडल्ट्स कितने, ये सब था. पाई चार्ट था, बार ग्राफ, बार बार थे. बार कितने थे? दो. तो ओवरऑल एग्जाम आपको कैसे लगा? इजी मॉडरेट था? इजी, इजी था. इजी था, इजी था. ओके हां, और मैथ्स इजी थी, रीजनिंग थोड़ी ट्रिकी थी. और बाकी इजी क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज भी थी, क्वाड्रेटिक भी थी. हाउ वाज द एग्जाम? रीजनिंग वाज क्वाइट बिट मॉडरेट, बट मैथ इज इजी. ओके, तो मुझे बता कि मैथ्स में क्या-क्या पूछा गया था, क्या पेपर पार्ट में क्या था? मैथ्स में दो डीआई था. ओके, तो डीआई वाज सीरीज ऑन अरिथमेटिक, या जिस तरीके से एक डीआई रहता है वैसे? नहीं, एक तो था टेबुलर फॉर्म में, दूसरा था कि इन्फॉर्मेशन दी हुई थी और फिर उसको कलेक्ट करके और सॉल्व करना था. इसके अलावा कैसलेट भी था? कैसलेट से एक था और एक टेबुलर फॉर्म में था. तो दो डीआई थे सर? दो डीआई थे सर. एंड अरिथमेटिक से कितने क्वेश्चन थे अप्रोक्स? बाकी सीरीज और रेस्ट अरिथमेटिक ही था. तो सीरीज और इसके अलावा सीरीज इजी था, अप्रोक्सीमेशन था वो इजी था काफी. एंड सीरीज कौन सी थी? मिसिंग सीरीज थी या मिसिंग सीरीज थी? वो भी इजी था. बताओ सबसे पहले कि आउट ऑफ ऑल द फोर सेक्शंस इजी सेक्शन कौन सा लगा? जीए. जीए का रीजन क्या है? क्वांट, क्वांट, क्वांट. बैंकर्स कैप्सूल जो है, बैंकर्स अटैक. सर क्वांट क्यों? क्वांट इसलिए था, क्वांट में सिंपलीफिकेशन जो प्री में आता है, इस बार मेंस में आया था. 5 क्वेश्चन थे, ठीक है. एप्रोक्सीमेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, डीआई इजी था, सिंपली बेस था, दो डीआई थे, इजी थे. जो टाइम एंड डिस्टेंस पे था, एक कैसलेट था और एक डेटा ग्राम. तो डीआई वाज बेस्ड, एक अरिथमेटिक पे था, एक कैसलेट था और एक टेबुलर. ओके, और रीजनिंग सेक्शन क्यों डिफिकल्ट? नया पैटर्न था और पजल ट्रिकी भी थे, और पजल में ये पजल चार थे.
तो ओवरऑल मुझे बताओ कि अमंग ऑल आपके अटेम्प्ट्स कितने रहे, क्या क्या आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे? सर 132 130 110 91 एक सर्विस मिनिमम 91 110 126 ओके थैंक यू. तो स्टूडेंट्स द फर्स्ट वर्डिक्ट इज आउट. जैसे कि हमें लग रहा था कि एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट के एंड पे, बट जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप भी देख सकते हैं विद द एनालिसिस के एवरीवन इज सेइंग कि ओवरऑल जो एग्जामिनेशन था वो मॉडरेट लेवल का ही था. लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत ही एक डिफिकल्ट पेपर देखा था क्लेरिकल का, बट कंपेयर टू दैट इस बार का जो एग्जामिनेशन जो एज पर एवरी स्टूडेंट इज ऑफ मॉडरेट लेवल. जो वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन जो स्टूडेंट्स को लगा है दैट वॉज रीजनिंग, ऑब्वियसली क्योंकि पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट तो थे ही बट वो थोड़े से ट्रिकी थे. इजी सेक्शंस में वाज क्वांट क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन उनको दिखा, क्वाड्रेटिक उनको दिखी और डीआई सिंपल उनको लगी, एक एरिथमेटिक के बेसिस पर था. इसके अलावा एक कैसलेट था और जीए इजी लगी क्योंकि एज पर स्टूडेंट्स द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द कैप्सूल. चलिए और कुछ स्टूडेंट्स से बात करते हैं आज के एग्जाम की. एग्जाम वाज मॉडरेट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. और कौन सा सेक्शन आपको इजी लगा? सर मैथ्स काफी इजी था. सर बस कैलकुलेशन थी ज्यादा, अदरवाइज उसमें ऐसे कोई भी मतलब जो क्वांटिटेटिव पार्ट भी था ना वो भी बहुत इजी था. सारे क्वेश्चन सॉरी तो नहीं, जैसे प्री लेवल का एग्जाम था सर मैथ्स में. कैसा गया आपका एग्जाम? सर एग्जाम वाज मॉडरेट. मॉडरेट? हां मॉडरेट था सर. ओके तो आप मुझे ये बताओ कि कौन सा सेक्शन था आपको इजी लगा? सर सेक्शन इजी आई गेस क्वांट और इंग्लिश कंपैरेटिवली इजी था. इंग्लिश भी ठीक था, ऐसा नहीं है कि सर इंग्लिश में दो पैसेज थे, वन कंप्राइज ऑफ 7 क्वेश्चन है, अदर वाज आई गेस 5 to 6 क्वेश्चन थे ये था, और बाकी वाज मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे, लाइक कि 3 क्वेश्चन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स थे एंड एरर ग्रामेटिकल एरर वाले थे. इट वाज मिक्स मतलब ठीक था, ऐसे नहीं है. रीजनिंग सर पजल्स दे वर ट्रिकी, दे वर मतलब इजी मतलब ज्यादा बड़े नहीं थे, इट वाज नॉट लेंथी बट दे वर ट्रिकी, दे वर समवट ट्रिकी. बट रीजनिंग के सेक्शन के बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करो. सर रीजनिंग में आई गेस की जो 10 क्वेश्चंस वर ऑफ 10 मार्क्स, उसमें 5 क्वेश्चंस डाटा सफिशिएंस की डाटा सफिशिएंस के हां डाटा सफिशिएंस के 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस थे और एक पजल थी ब्लड रिलेशन के ऊपर, वो 2 मार्क्स की थी, वो 5 क्वेश्चन थे उसके. हाँ स्मॉल पजल वो 2 मार्क्स की थी वही ब्लड रिलेशन के ऊपर, वो थोड़ा था. बाकी पजल्स वो 3 पजल्स थी, 3 of 4 पजल्स के थी, बाकी इट वॉज ठीक है लेकिन बहुत ट्रिकी था बस, ऐसा कुछ नहीं कहा. हाँ बाकी जीए का सर जीए का ठीक था, मैंने 32 अटेम्प्ट किए. हाँ सर कैप्सूल प्लस ऐप में मैं रेगुलर था. तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू, अगर हम ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो इस बार फॉर श्योर जैसे लास्ट ईयर एक झटका सा लगा था स्टूडेंट्स को कि क्लेरिकल का एग्जाम टफ आ गया, इस बार स्टूडेंट्स को वैसा नहीं लगा है. ओवरऑल जो एग्जाम है वो मॉडरेट ही कह रहे हैं. क्वांट सेक्शन में मतलब मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी तो देवर सिंह के सर क्वांट सेक्शन तो ऐसा लग रहा था जैसे वी आर गिविंग अ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. विद दैट जो ओनली इस बार जो ट्विस्ट हुआ है, ट्विस्ट ना कह के हम थोड़ा सा डिफिकल्टी कह सकते हैं, इट वॉज देयर इन द रीजनिंग सेक्शन एंड दैट वॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट वो थोड़े से ट्रिकी थे. इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं लगा है स्टूडेंट्स को बट वो ईजी भी नहीं है तो मॉडरेट कैटेगरी में लगा है. एंड एज पर द स्टूडेंट्स जो जनरल अवेयरनेस है वो आसान लग रही है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कैप्सूल. सर अच्छा हुआ था, काफी अच्छा हुआ है, 149 अटेम्प्ट किए हैं. सो कंपैरेटिवली मैथ बहुत आसान था, मैथ्स में जैसे क्वाड्रेटिक आ गई थी और डीआई 3 आई थी, वो तीनों इजी थी, तीनों अटेम्प्ट करी थी. अप्रोक्सीमेशन भी इजी था, बहुत इजी था, 3 मिनट के अंदर सारे हो गए थे. और बस मिसलेनियस थोड़े से वो चैलेंजिंग थे, वो मैंने कम ही अटेम्प्ट किए थे इसलिए मैंने 37 ऑल ओवर अटेम्प्ट हुए थे 50 में से. रीजनिंग थोड़ा सा था चैलेंजिंग, उसमें एक्चुअली मैंने अटेम्प्ट 2-2 मार्क्स वाले पहले कर लिए थे सो दैट मेरे स्कोर बढ़ सके उसके थ्रू. और दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी कि आप रीजनिंग में जैसे हमें पता है कि 50 क्वेश्चंस ऑफ 60 मार्क्स तो हम उसमें फोकस ये कर सकते हैं कि वी शुड ट्राई एंड डू फर्स्ट ऑफ ऑल द 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सो दैट हमारे अगर अटेम्प्ट भी कम है बट मेरे मार्क्स मेरे अच्छे हैं. तो दैट्स व्हाट इज नाइस स्ट्रेटजी. यस सो पहले मैंने 2-2 वाले अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद जो सिंगल में थे मैंने 1 वर्ड वाले कर लिए, उसके बाद पजल पे फोकस किया कि कौन सी इजी है कंपैरेटिवली वो अटेम्प्ट. इसलिए मैं कौन सी आई थी
पजल्स एक बॉक्स बेस्ड थी वो मैंने अटेम्प्ट नहीं करी, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग टाइप थी, और एक ना फ्लोर बेस्ड आई थी वो मैंने अटेम्प्ट कर ली थी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो कर लिए थे, और इनपुट इजी था, बहुत इजी था, डाटा सफिशिएंसी 2-2 मार्क्स वाले ही थे तो वो मैंने कर लिए थे इजी थे। लॉजिकल रीजनिंग में से आया था क्वेश्चन? हां अजम्पशन से। यस, उसके अलावा भी और भी थे, एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन आए थे। तो अडर 24/7 की फैकल्टीज को आप कुछ कहना चाहेंगे? फैकल्टीज को मैं ये कहूँगा कि सर कुछ सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सुबह सुबह करंट अफेयर्स पढ़ा देते हैं बहुत अच्छा है, और मैथ्स वाले सर भी काफी अच्छा है, हमारे कंसेप्ट उन्होंने क्लियर करवाए थे, रीजनिंग की जो मैम मेरे को सही लगती है काफी, आकांक्षा मैम काफी अच्छा पढ़ाती है वो। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की तो क्लर्क के एग्जामिनेशन में ज्यादा सरप्राइज नहीं करा, डिफिकल्टी हम सोच रहे थे कि डिफिकल्ट आ सकता है बट ओवरऑल इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। आउट ऑफ ऑल द 4 सेक्शंस 3 सेक्शंस को हम कह सकते थे देवर मॉडरेट कैटेगरी एंड ओनली रीजनिंग सेक्शन जो था वो थोड़ा डिफिकल्टी की वजह से था, इट्स जस्ट बिकॉज जो पजल थी वो थोड़ी सी ट्रिकी थी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनालाइजर्स। तो स्टूडेंट्स आप सब देख चुके हैं द रिव्यूज ऑफ द एग्जामिनेशन आईपीएस क्लर्क मेंस 2018। ओवरऑल अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की तो कंपेयर टू लास्ट ईयर इस बार का एग्जामिनेशन जो था वो कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल का था। अगर हम बात करें कि वो कौन से सेक्शंस हैं जो कि आज स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगे हैं तो इट्स बेसिकली सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा है रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, देन जनरल अवेयरनेस, और सबसे इजी जो आज के में स्टूडेंट्स को लगा है दैट वाज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्या था एग्जामिनेशन में, किस किस तरीके से सेक्शन वाइज पूछा गया है, और क्या है गुड अटेम्प्ट्स या टोटल नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स, आइए देखते हैं। और वो कैसे देखते हैं, जैसे मैं हमेशा से करता हूँ, अड्डा 24/7 ऐप bankazara.com पे द एनालिसिस इज लाइव। तो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्शन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जैसे कि हमें पता है कि सर आईपीएस क्लर्क मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है, इस साल 50 क्वेश्चंस थे क्वांट में जो कि लास्ट ईयर तक सिर्फ 40 क्वेश्चंस आते थे, इस बार 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मतलब टोटल 50 क्वेश्चंस थे। आइए जानते हैं कि क्या क्या पूछा गया इस बार के क्वांट के सेक्शन में। 15 क्वेश्चन जो थे स्टूडेंट्स वो डेटा इंटरप्रिटेशन में से थे, जिसमें दो जो थे वो डेटा इंटरप्रिटेशन था और एक था कैसलेट, और एक डेटा इंटरप्रिटेशन जो दो में से था एक टैबुलर पर था और एक एरिथमेटिक बेस था बेस्ड ऑन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके अलावा 5 क्वेश्चन डेटा सफिशियंसी मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज। ये स्टूडेंट्स इस बार मेंस में 5 नंबर की मिसिंग सीरीज आई थी जो कि हम मॉडरेट कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन मॉडरेट लेवल, अप्रोक्सीमेशन अगेन मॉडरेट लेवल, और मिसलेनियस दैट जिसको हम अरिथमेटिक कहते हैं उसके थे 15 क्वेश्चंस। अगर हम बात करें मिसलेनियस पोर्शन की तो इसमें क्वेश्चंस थे फ्रॉम एजेस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की तो 5 क्वेश्चंस थे जिसमें से 2 स्टेटमेंट थी हर क्वेश्चन में। गुड अटेम्प्ट्स जैसे हमने डिस्कस करा, इसके गुड अटेम्प्ट्स रहेंगे 29 से 34। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, दैट वाज द इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शन। एग्जाम पैटर्न में चेंजेस की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर के जैसे 40 क्वेश्चंस आते थे इस बार भी 40 क्वेश्चंस थे, टाइम लिमिट था 40 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें इसके लिए टाइम था 35 मिनट्स, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे इसमें इस बार तो एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस थे और दूसरे पैसेज में 7 क्वेश्चंस थे, मतलब टोटल अगर हम आरसी की बात करें तो टोटल जो आरसी से क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं 12। एक पैसेज जो था दैट वाज रिलेटेड टू आईबीएम की कंपनी पॉलिसीज, और दूसरा जो था वो था हैकिंग ऑफ द सोशल मीडिया अकाउंट्स। अगर हम बात करें नया पैटर्न, क्योंकि हमें हमेशा से लगता है कि इंग्लिश जो है वो नया पैटर्न लेकर आया होगा, एंड यस सेंटेंस रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चन थे वो वर ऑफ अ न्यू पैटर्न दिस टाइम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स थे, एरर्स थे, और जो था इंग्लिश का पोर्शन वो मॉडरेट लेवल का ही था जिस तरीके से पूछा जाता है, बट सेंटेंस रीअरेंजमेंट में नया पैटर्न स्टूडेंट्स को दिखा। अगर हम बात करें क्या क्या था इंग्लिश सेक्शन में तो 12 आरसी के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। स्टूडेंट लास्ट ईयर भी क्लरिकल में अलग से एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पूछे गए थे, इस बार भी पूछे गए हैं, मतलब वो कैप बेस्ड। 5 क्वेश्चन थे फ्रेज रिप्लेसमेंट, 5 क्वेश्चन थे डबल फिलर्स, 5 क्वेश्चन थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एंड 8 क्वेश्चन थे मिसलेनियस वर्ड
यूसेज, मतलब क्लोजेस्ट नहीं था इस बार बट एक मिसलेनियस वर्ड यूसेज, तो एक और नया पैटर्न जो कि इंग्लिश में हमें देखने को मिला। अगर हम बात करें कि इंग्लिश की गुड अटेम्प्ट क्या होने चाहिए, ओवरऑल जो सेक्शन है मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, बट इंग्लिश की गुड अटेम्प्ट क्या होने चाहिए, 18 से 21। अगर हम बात करें एक और सेक्शन जो स्टूडेंट्स को इजी लगा, दैट वाज जर्नल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस। 60% जो क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स वो थे फ्रॉम करंट अफेयर्स, 10 के करीब क्वेश्चंस थे फ्रॉम बैंकिंग अवेयरनेस और 10 ही के करीब क्वेश्चंस थे फ्रॉम द स्टैटिक अवेयरनेस। ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो टेक आया है कि सर जो करंट अफेयर्स था वो मॉडरेट था, ईजी था, आसान लगा, कुछ का हिंदू शो हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे BBM शो हो, वो सबके सब चीज़ें हेल्पफुल थी। जो बैंकर्स अड्डा पे रोज डेली जी की अपडेट आती है, क्वेश्चंस वहां से भी पूछे गए हैं, तो अगर आप इन सब सोर्सेस को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो तो फॉर श्योर आपको जीए जो पोर्शन है वो आसान लगेगा। एंड यस अगेन हमारे कैप्सूल के प्रेजेस मिलेगी, एंड फॉर श्योर जब ये वीडियो भी लाइव होगा तो स्टूडेंट्स भी कहेंगे कि यस सर जो जीए पोर्शन था वो क्लियरली फ्रॉम द अड्डा 24/7 टीम की वजह से बहुत अच्छा गया। नाउ लेट्स डिस्कस द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन ऑफ टुडेज एग्जामिनेशन। कौन सा? रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें ऑब्वियसली कंप्यूटर एप्टीट्यूड नहीं था, तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रीजनिंग एबिलिटी। 50 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, लेट्स डिस्कस दैट। द लेवल ऑफ रीजनिंग वाज डिफिकल्ट, यस, नो क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर एप्टीट्यूड, एंड देयर वर 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अगर हम बात करें कि क्या पूछा गया था, तो लीनिया बेस्ड पजल थी, नॉर्थ एंड साउथ, फ्लोर बेस्ड पजल थी, बॉक्स बेस्ड पजल थी, एंड ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल थी। इसके अलावा जैसे हमने लास्ट ईयर देख लिया था कि डेटा सफिशिएंसी क्लेरिकल मेंस में भी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी एंड रीजनिंग में भी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, उसके क्वेश्चंस थे, एंड वी हैव 1-1 क्वेश्चंस फ्रॉम स्टेटमेंट्स और अजम्पशंस। अगर हम पूरे सेक्शन को एनालाइज करें तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के टोटल 20 क्वेश्चंस, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, सिलॉग्स भी थे, ईजी थे, 3 क्वेश्चंस, डेटा सफिशियंसी डिफिकल्ट ऑन अ डिफिकल्ट साइड 5 क्वेश्चंस, मशीन इनपुट एंड आउटपुट मॉडरेट ही बोलूंगा मैं इसको 5 क्वेश्चंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थोड़ा सा ट्विस्ट था इस सीरीज में 3 क्वेश्चंस, अल्फाबेट सीरीज 3 क्वेश्चंस, डायरेक्शन सेंस 4 क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस 7 क्वेश्चंस। तो अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के गुड अटेम्प्ट्स हमने रखे हैं 19 to 23। तो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स। जो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स आज के एग्जाम में होने वाले हैं हमारे एंड से फ्रॉम द अड्डा 24/7 टीम एंड बैंकर्स अड्डा टीम is 111 to 123. Reasoning and computer aptitude के जो overall attempt हमने रखे हैं, good attempt रखे हैं, वो 19 to 23 रखे हैं, English के 18 to 21, Quant के 29 to 34, और GA जो हमें moderate की side ही लगा है और थोड़ा बहुत easy भी रखा है, obviously because of current affairs, 30 to 34. तो overall good attempts is 111 to 123. तो students, this was from the analyzers, the IBPS Clerk Mains 2018. I, your host and host, Gopal Anand, signs off now.